ये देखिए यहाँ पे जो पानी गिरा है ना, यहाँ पर पांच लिंगों का मिलन है। इतने हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल हो रहा है सुबह को 8:30। आज का जो प्लान है, हम जाएंगे पंचलिंगेश्वर, जहाँ हमारा उड़ीसा में पड़ता है। ये बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। पंचलिंगेश्वर का जो मीनिंग होता है, पांच शिवलिंग का मिलन होती है। जहाँ पे पांच शिवलिंग का मिलन होती है, मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा, एकदम रियल दिखाऊंगा जे कहाँ पे पांच शिवलिंग का मिलन हुई है। चलिए जल्दी जल्दी नहा धो के रेडी हो जाते हैं और निकलते हैं। बस नहा के रेडी हो चुका हूँ, जल्दी जल्दी निकलना है पंचलिंगेश्वर के लिए। और पंचलिंगेश्वर जो है हमारा घर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, और बाहर भी थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है, और जल्दी जल्दी चलते हैं। यह है पंचलिंगेश्वर का एंट्री गेट, यहाँ से पंचलिंगेश्वर का जर्नी स्टार्ट होता है। यहाँ पे रहने के लिए अगर कोई दूर से आता है, बाहर से आता है, यहाँ पे रहने के लिए होटल भी है और पांथो निवास भी है। ये देखिए हमारा पंचलिंगेश्वर का पांथो सभा यहाँ पे। इस साइड भी होटल से है, रहने के लिए एकदम मस्त जगह है। यहाँ पे रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बढ़िया प्लेस है। यहाँ पे शाम का टाइम घूमने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शाम का मौसम के लिए ये पहाड़ का नज़ारा और शाम का मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर सा। ये अभी श्रावण का महीना चल रहा है ना, इसलिए यहाँ पे कांवरी लोग भी आ गए। ये देखिए आज शायद बहुत भीड़ होगा, ये लोग पानी डालने के लिए आते हैं ना श्रावण के महीने में। ये लोग भी, आज सोमवार है इसलिए ये लोग, बहुत सारे लोग आए होंगे। ये देखिए यहाँ पे गाड़ी लगाता है स्टैंड में, तो खड़ा है। ये देखिए बहुत सारे टूरिस्ट गाड़ी भी यहाँ पे। पंचलिंगेश्वर ऊपर जाने के लिए बहुत चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर तक सीढ़ी तो नहीं है, लेकिन ऊपर सीढ़ी है, ऊपर चढ़ने को मिलेगा सीढ़ी में। यहाँ लेकिन चढ़ने की बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ से शुरू होती है असली चढ़ाई, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। देखिए रमेश
इसमें सेब लगाइए, यहाँ से और भी तीखा, देखिए ना एकदम तीखा चढ़ाई। बीच बीच में पत्थर भी है, ये जो पत्थर है ना 10-12 साल पहले ये पत्थर था, अभी अभी सीढ़ियाँ बन चुकी है। पांच लिंगों का मिलन है, वहां पर चलते हैं। पानी गिर रहा होगा लिंग के ऊपर, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। फाइनली 10-12 साल बाद आज मैं घंटी बजा रहा हूँ। चलिए फिर दिखाते हैं कहाँ पे भगवान जी है। ये देखिए, यहाँ पे जो पानी गिर रहा है ना, यहाँ पर पांच लिंगों का मिलन है, इतने जोर से पानी गिर रहा है ना, तो फिर दीजिए। हाँ, वहाँ पर पांच लिंग है। और दूसरा देखिए, कितना पाता देखिए। हाँ जी, पाद लिंग, पाद वाला बता है। ये वाला बता, पंचवट है। अच्छा अच्छा, थोड़ा कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए पंचलिंगेश्वर के बारे में, कुछ बोलिए। जब द्वापर युग में मगध राज था, उड़ीसा बिहार, वो जरासंध राजा था। जरासंध ये पांच लिंग जाता था। वो कलयुग में भीम हस्ते जरासंध बध हुआ वही पहाड़ में। नीलगिरी राजा था, वो निसंतान का राजा है। वो शंकर जी उनको सपन दिया सब रानी के, फिर राजा शिकार कर जाए यहाँ बैठा ना, राजा के एक ऋषि साथ में ले आया, बोला आ जा। ऋषि ने देखा, ऋषि नहीं, पुण्यवाणी हुआ जी, हमारा नाम फर्चुनेश्वर, वही नाम है पूजा बात से तीन लड़का हुआ, वो कॉलेज में विश्वास। ठीक है, थैंक यू, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो भगवान पंचलिंगेश्वर पांच लिंगों का मिलन है, वहाँ पे तो हम लोग पहुँच चुके हैं। थोड़ा ऊपर चलेंगे, देखते हैं ऊपर क्या है। बस अभी हम ऊपर जाएंगे और ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर हम जाएंगे। 1 किलोमीटर के बाद एक मंदिर पड़ता है, बड़ाम्बा देवी की मंदिर, वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे एक तालाब है, छोटा सा तालाब है, वो देखेंगे कि वहाँ पे कभी पानी सूखता नहीं, क्योंकि उसे हम उत्सकूप बोलते हैं। तालाब नहीं था, नया नया खुदा हुआ है। ये देखिए, ये वाला जो बड़ा वाला तालाब है ना, यहाँ पे हाथी दिखने को मिलते हैं। अभी अभी नहीं मिलती है, क्योंकि अभी बारिश का महीना शुरू हो गया ना, अभी हाथी नहीं आते यहाँ पे। जब पहाड़ के अंदर ऊपर, पहाड़ के ऊपर पानी नहीं मिलती है ना, यहाँ पे आते हैं हाथी पानी पीने के लिए।
ये देखिए ये वाला तालाब है यहाँ पे। फाइनली रात को बज रहा है 12:30, बस डिनर करते हैं। डिनर में खाते हैं रोटी और दूध, साथ में एडिटिंग भी स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।